ये भैया इतना होशियार और शातिर आदमी है, अगर ये श्रीलंका चला जाता ना, लौट के कहता रावण को मैंने मारा था। क्योंकि देश में और कुछ तो किसी ने किया ही नहीं। तो भाई नौजवानों, तो फिर भाई ठोकर मारने को तैयार हो? ठोकर ऐसी पड़े, ऐसी लगे सीधा नागपुर में जाके पड़े, और फिर कभी इसकी आंख उठाने की हिम्मत ना। देखिए प्रजातंत्र में ये होता है कि एक पार्टी जीतती है, दूसरी विपक्ष में रहती है, और प्रधानमंत्री पार्टी का बनता है, लेकिन वो सारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये भाजपा का प्रधानमंत्री था, भाजपा का प्रधानमंत्री है, और भाजपा का प्रधानमंत्री रहना चाहता है। दिन में 3 बार सूट बदलता है। ये नौजवान अपने को बड़ा फैशनेबल समझते हैं, मोदी के मुकाबले में कुछ नहीं हो तुम। 70 करोड़ का खर्चा है सरकार का इसके कपड़ों का, आपकी जैसी टोपी नहीं पहनता है, पता नहीं कहां कहां से लाता है रोज नई टोपी। और क्या कहता है, मैं तो भिखारी हूं, झूला उठा के चल पड़ूंगा। हे भगवान, हमें भी भिखारी बना दे, मुफ्त की खाएंगे, दुनिया भर घूमेंगे, रोज नए नए कपड़े पहनेंगे, और जब कोई जिम्मेदारी की हमारे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, कहेंगे भैया मैं तो भिखारी हूं, चला। मोदी साहब के अच्छे दिन तो हो गए। फिर मोदी साहब ने क्या वायदा किया, दुनिया भर का काला धन वापस ले आऊंगा, 6 महीने के अंदर हर एक की जेब में 15 लाख रुपए पहुंच जाएगा। अकाउंट चेक कराया अपना? मैं 10 जिलों में गया, मैंने भाषण नहीं किया, रुका रात में, लोगों से बातचीत की। मैं चुनाव भाजपा से इसलिए मुजफ्फरनगर से लड़ रहा हूं, यहीं से भाजपा पनपी थी, यहीं से भाजपा को नेतृत्व करना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नफरत की राजनीति खत्म, पुराने रिश्ते कायम, मोहब्बत की राजनीति शुरू हो चुकी है। वही चौहान साहब ने जो गठबंधन बनाया था बन गया है, वही सरकार हो लखनऊ दिल्ली में, इस गठबंधन के रहते हुए कोई आपकी तरफ गलत नजर से देख नहीं सकता। चुनाव है, प्रजातंत्र में एक ताकत आपको हमारे संविधान में दी है, हर 5 साल में आपको मौका मिलता है। अगर सरकार का 5 साल का काम पसंद है, उसके काम का लेखा जोखा करो। एक आदमी थोड़ा बहुत बोलता है, कभी बुजुर्गवार आपके परिवार में झगड़ा हुआ तो आप थोड़ा झूठ बोल बाल के समझौता करा देते हो कि नहीं करा देते? भैया ये झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक सच नहीं बोला। बच्चों को क्या कहते हो, बेटा सच बोला कर, इसकी माँ बाप ने नहीं सिखाया। ये महिलाओं का बड़ा पक्षधर है, 3 तलाक 3 तलाक। अपनी पत्नी को 1 बार भी तलाक नहीं बोला, छोड़ दिया। लेकिन साहब, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुआ, सब बेईमान थे, किसी ने कुछ नहीं किया। 70 साल में जो देश में हुआ है मैंने किया है, बाकी और कोई बेकार थे। विदेश में जाते थे तो शर्म से लोगों का सिर झुक जाता था। भैया तुम गए थे अभी अमेरिका, तुम गले मिल लिए होगे ट्रंप से, मनमोहन सिंह जी गए थे तो वहां का प्रेसिडेंट बारिश हो रही थी छाता लेके कार तक पहुंचाने गया था, ऑक्सफोर्ड में भाषण देने को बुलाया था। भाई जो भी दूसरे देश का आदमी आएगा, जो भी होगा उसका स्वागत करेंगे, पकौड़ा बनाएगा, इसमें सरकार का क्या योगदान है?
और हमारा प्रधानमंत्री साइंटिस्ट भी है, इसने रिसर्च की। आपने देखा होगा टीवी पे क्या वो बोल रहा था, गंदी नाली में गैस पैदा होती है, उसमें नल डालो, नली माचिस लगाओ, चाय बनाओ। टीवी पर बोल रहा था। तो ये कोई भी सरकारी नौकरी 5 साल में भर्ती नहीं की गई, प्रार्थना पत्र लिया जाता है, फीस ली जाती है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन लेटर अपॉइंटमेंट का मिलता नहीं है। कहीं कोर्ट बीच में आ जाता है, कहीं लीकेज हो जाती है, फिर से एग्जाम होगा, ये तय होगा। 5 साल में एक नौकरी इन्होंने नहीं भरी। तो कौन सा वर्ग है, कौन इसे खुश, कौन सा वर्ग है? भाजपा के लोग कहते हैं मजबूत प्रधानमंत्री, 56 इंच की छाती है, अच्छी बात है। भैया 56 इंच की छाती है, दिल तो 1 इंच का भी नहीं है। के लिए, अखिलियत के लिए, दलित के लिए, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए कोई जगह नहीं है। इसके दिल में अडानी, अंबानी, चौकसी, फोकसी, पता नहीं। गुजरात के 15 लोग हैं जो 10-10, 20-20 हजार करोड़ आपका बैंक से पैसा लेके भाग गए। ये चौकीदार है, आप चौकीदार रखते हो अपने यहाँ? बताओ, किसान चौकीदार रखता है कोई? नहीं। कोई दलित अपने यहाँ चौकीदार रखता है? नहीं। कोई अखिलियत के आदमी ने दरवाजे पे चौकीदार खड़ा किया हुआ है? भैया ये इन लोगों का चौकीदार है, तुम्हें चौकीदार की जरूरत नहीं। ये बड़े बड़े लोगों का चौकीदार। और भैया हमें चौकीदार चाहिए तो हम तो नेपाल से ले आए। हमें प्रधानमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री। दिन में 3 भाषण सुनो टीवी पे, सोमवार को उसका रेडियो में मन की बात सुनो। भैया हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे मन की बात सुने। तो इसलिए एक भी वायदा, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्वच्छ भारत, एक सपना दिखाने का काम करता है। प्रचारक था, प्रचारक है और प्रचारक